क्वेश्चन 15 में एक टॉय कार दिया है बच्चों, उस पे चार्ज क्यू रखा है, फ्रिक्शन नहीं है वहां पे और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड बोल दिया है तो फोर्स तो इतना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है 0 से 6, ये फर्स्ट सेकेंड की बात है। फिर डायरेक्शन अपन क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं और कार का मोशन अगले 2 सेकेंड तक और पड़ रहे हैं, राइट। फिर बोलता है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा 0 to 3 सेकेंड्स के लिए रेस्पेक्टिवली। तो पहले फर्स्ट पार्ट ही समझते हैं अपन। लेट अस अज्यूम कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, ठीक है। कोई भी एक कार को अगर रखोगे इस तरह से, तो देखो 0 से ले कहाँ जा रहा है, 6 सेकेंड पे जा रहा है 1 सेकेंड में, तो इट विल बी इंक्रीजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड, और ये बात है 1 सेकेंड की। फिर क्या कर रहा है बच्चों, इसी रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बदल देता है। तो ये तो 6 से एंटर करने वाला होगा, अगले सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड से स्टॉप कर जाएगी गाड़ी, उसकी 0 पे आ जाएगी और फिर वो वापस से रिवर्स कर जाएगी -6 मीटर पर सेकेंड 0 के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड की कहानी ये है, सेकेंड की ये है और थर्ड की ये है, ठीक है बच्चों। अगर पेपर पर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो टाइम 0 से लेके 1 सेकेंड तक था, तो जो उसकी स्पीड है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड पे बढ़ गई। फिर जब टाइम 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के लिए पढ़ोगे तो क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या किया है, रिवर्स। तो जिससे इंक्रीज हुआ होगा ना, उसी से वो क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड से वो किस पे आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगी। फिर आप बोलोगे 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड का स्टडी करके बताओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड से, अब वो पीछे के डायरेक्शन में देख सकते हो यहाँ पे, तो माइनस में 6 मीटर पर सेकेंड चली जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड का मोशन हो रहा है, सेकेंड का हो रहा है, थर्ड का हो रहा है। ग्राफ बनेगा तो कैसा बन जाएगा देखो अच्छे से, 0 to 1 क्या हो गया, ये +6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आ रहा है -6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वाला स्पीड कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और इसका आंसर होना चाहिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इस क्वेश्चन के डेटा को पढ़ के अगर ये बन जाएगा ना, तो ये चीजें डायरेक्ट भी लिखी जा सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो ग्राफ बता देगा, क्योंकि वी लिखा है और यहाँ टी लिखा है, तो इसके अंदर जो एरिया कवर्ड है वो क्या दे देगा, वो आपको या तो डिस्टेंस दे देगा या तो डिस्प्लेसमेंट, जैसा अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट कर लेंगे तो केवल यही ट्राइंगल काम का बचेगा अपने पास। इसका आंसर हो जाएगा, एरिया अगर मैं निकालूं एक ट्राइंगल का, तो वो आ रहा है बच्चों 1/2, ठीक है, 1 into कितना है 6 है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी सिर्फ और सिर्फ 3, और टाइम भी आपके पास कितना है देखो 0 to 3, आंसर आ रहा है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ इसके 3 ट्राइंगल हैं, तो हो जाएगा 3 into 3 divided by 3, आंसर हो जाएगा 3 meters per second, मतलब आंसर 1 और 3 है, अगर मैं वेलोसिटी पहले बोल रहा हूँ और स्पीड बाद में, ऑप्शन 3 इसका सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ग्राफ से सॉल्व कर लिया है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।